आज हम इस वीडियो में आपको हम दिखाएंगे पंजाब एंड सिंध बैंक में एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कैसे किया जाता है। इसका कंप्लीट प्रोसेस आपको हम दिखाएंगे। बहुत किसी का कमेंट आ रहा था कि सर पंजाब एंड सिंध बैंक में एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन नहीं हो रहा, तो अकाउंट ओपन करने का कोई ऐसा वीडियो हमको दिखाइए। पंजाब एंड सिंध बैंक के बारे में हम पहले भी वीडियो हम बना चुके हैं। उसके बाद बीच में ऑनलाइन के माध्यम से अकाउंट ओपन होने का प्रोसेस बंद कर दिया गया था, लेकिन उस वीडियो में बहुत सारा कॉमेंट आया था कि अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है। तो आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे ऑनलाइन के माध्यम से डिजिटल अकाउंट ओपन करने का कंप्लीट प्रोसेस। तो जो हम इसमें अकाउंट ओपन करके आपको हम दिखाने वाले हैं, उसमें आपको कोई चार्ज आपको देना नहीं होगा, आप जीरो बैलेंस मेंटेन्स कर सकते हैं। तो इस अकाउंट को ओपन करने के बाद आपको दिया जाएगा वर्चुअल एटीएम कार्ड। उस एटीएम कार्ड के द्वारा फोनपे, गूगल पे, पेटीएम जैसे एप्लीकेशन को आसानी से यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको हम दिखाते हैं पंजाब एंड सिंध बैंक में एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कैसे करेंगे, इसमें आप कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे जो कि आप उसमें जीरो बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। तो अकाउंट ओपन करने के लिए आपको इस लिंक पर आना होगा, इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसके बाद आप अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो अकाउंट ओपन करने के लिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, उसके बाद आपके सामने ओपन पीएसबी डिजिटल अकाउंट ऑप्शन यहाँ पर शो करा और यहाँ पर देख पा रहे हो ओपन न्यू। इस एप्लीकेशन को हाइड कर दिया गया है, इस अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते। इसी के कारण जो है बहुत कोई कमेंट कर रहा था कि सर हम पंजाब एंड सिंध बैंक में अकाउंट ओपन नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको क्या काम करना होगा, थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद आपको हम दिखाते हैं। तो जैसे आप स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है मोर सर्विस, मोर सर्विस पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे आप मोर सर्विस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिया गया। तो आपको क्या काम करना होगा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देख पर ओपन वन अकाउंट, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला ऑप्शन शो कर जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देख पर ओपन वन अकाउंट यहाँ पर लिखा हुआ रहा, और यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा ओपन यूर अकाउंट न्यू। आप जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने अगला ऑप्शन शो कर जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या काम करना होगा, यहाँ पर आपका नाम डालना होगा, जो आपका नाम है आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका मिडिल नाम डालना होगा, उसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम आपको डालना होगा, यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे मोबाइल नंबर डालने के लिए कहा जा रहा, आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर इंटर ईमेल आईडी, आप यहाँ पर एक ईमेल आईडी डाल देंगे। उसके बाद ये दोनों बॉक्स पर आप टिक करेंगे, टिक करने के बाद कन्फर्म पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने अगला ऑप्शन शो करेगा, यहाँ पर देख पा रहे मोबाइल ओटीपी, मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर ईमेल ओटीपी, आपका ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा गया, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद सबमिट पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर केवाईसी वेरिफिकेशन, यहाँ पर आपको पेन नंबर डालने के लिए कहा जा रहा, आप अपना पेन नंबर यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर डालने के लिए कहा जा रहा, अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आप इस बॉक्स पर टिक करेंगे, उसके बाद इस बॉक्स पर भी टिक करेंगे, उसके बाद आप वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर खुल के आ गया है, यहाँ पर जितना भी आपका आधार कार्ड में डिटेल्स था सारा डिटेल्स यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर अपना डिटेल्स यहाँ पर देख लेंगे, देखने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। तो हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे मैरिटल स्टेटस, यहाँ पर क्लिक करके आपको सेलेक्ट करना होगा आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ। अगर आपका शादी हुआ है तो मैरिट पर आपको क्लिक करना होगा, अगर आपका शादी नहीं हुआ तो सिंगल पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक पेज खुल के आएगा, उसमें आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा, अपना कंट्री यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी आपको सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा, आप कौन सा कैटेगरी से आते हैं, एसटी से आते हैं या ओबीसी से आते हैं या आप जनरल से आते हैं, जो भी आप कैटेगरी से आते हैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा स्टेप खुल गया है और यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका फादर्स नेम डालने के लिए कहा जा रहा, उसके बाद आपका मदर्स नेम डालने के लिए कहा जा रहा, और यहाँ पर देख पा रहे हैं कम्युनिकेशन एड्रेस, अगर आपका एड्रेस और आपका फादर्स और मदर्स का एड्रेस अगर सेम है तो आपको यहाँ पर टिक करना होगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा, अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लेंगे। आप क्या काम करते हैं, मतलब आप जो भी काम करते हैं या आप स्टूडेंट हैं या आप जो भी हैं, आप यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एनुअल इनकम, आपका सालाना इनकम क्या है, आप यहाँ पर क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस डिक्लेरेशन यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा, तो आपको क्या काम करना होगा, इस बॉक्स पर आपको टिक करना होगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देख पर आधार लिंकिंग सीडिंग डिक्लेरेशन यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप आधार सीडिंग एक्टिवेट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। अगर आपका पहले से किसी भी बैंक में आधार सीडिंग एक्टिवेट किया हुआ है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आधार सीडिंग का मतलब होता है किसी भी सरकारी योजना का पैसा या आप स्कॉलरशिप का पैसा ले रहे हैं या आपका किसी दूसरे अकाउंट में आ रहा है, उस अकाउंट को हटाकर आप इस अकाउंट में पैसा लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे ब्रांच डिटेल्स, यहाँ पर पिन कोड डालने के लिए कहा जा रहा है, जो कि आपका आधार कार्ड में लिखा हुआ है, वो पिन कोड आप यहाँ पर डाल देंगे। जैसे आप यहाँ पर डालेंगे, डालने के बाद आपका एरिया में जितना भी ब्रांच होगा यहाँ पर शो कर जाएगा,
उसके बाद आपको ब्रांच सेलेक्ट कर लेना होगा। अगर आपका एरिया में एक ही ब्रांच है तो आप यहाँ पर ब्रांच को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर नॉमिनी डिटेल्स, आपको नॉमिनी डिटेल्स डालने के लिए कहा जा रहा है। आप नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नॉमिनी का नाम डालेंगे, नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस, अगर आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर जितना भी फॉर्म खुला हुआ है और यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है ये सारा फॉर्म यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। अगर आप नॉमिनी को ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्या काम करना होगा, आई डू नॉट यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने अगला ऑप्शन शो कर रहा है और यहाँ पर आपको यूपीआई आईडी बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर यूपीआई आईडी आप कैसा बनाएंगे, जो आपका मोबाइल नंबर है, अगर आप मोबाइल नंबर का यूपीआई आईडी देना चाहते हैं तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। डालने के बाद आप चेक अवेलेबिलिटी पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आपका मोबाइल नंबर पर यूपीआई आईडी एक्टिवेट होगा वैलिड दिखाएगा, नहीं तो आपको दूसरा यूपीआई आईडी बनाना होगा। तो हम यहाँ पर यूपीआई आईडी जो डाले हैं वो यूपीआई आईडी यहाँ पर पाया गया। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर लास्ट स्टेप आ चुका है और यहाँ पर देख पर अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर देख पर अकाउंट टैब का ऑप्शन शो करा और यहाँ पर अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है कौन सा आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो ये जो अकाउंट यहाँ पर कमिंग सून दिखा रहा है तो इस अकाउंट को अभी तक ओपन कर नहीं सकते हैं। अगर ये अकाउंट ओपन करने का फैसिलिटी अवेलेबल हो जाता है तो इस अकाउंट को आप ओपन ना करें, क्योंकि इस अकाउंट को ओपन करने के बाद आपको मेंटेनेंस करना पड़ता है, इस अकाउंट में आपको बैलेंस रखना होगा। तो हम इस अकाउंट को ओपन करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे PSB डिजिटल सेविंग अकाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर इसका बेनिफिट के बारे में भी देख लेते हैं, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख पर इंस्टेंट आपका अकाउंट ओपनिंग हो जाएगा। उसके बाद आपको डेबिट कार्ड दिया जाएगा, वो भी वर्चुअल डेबिट कार्ड। उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे नो मिनिमम बैलेंस, आप इस अकाउंट को ओपन करने के बाद आप जीरो बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया जा रहा है RTGS, NFT, MPS और UPI का ऑप्शन। और यहाँ पर देख पा रहे हैं फिजिकली डेबिट कार्ड को भी ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो आपको क्या काम करना होगा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर टिक लगा हुआ है, तो आपको क्या काम करना होगा, ये तीनों बॉक्स पर आपको टिक कर देना होगा। जैसे आप तीनों बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक डिक्लेरेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको आई एग्री पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका यूपीआई आईडी यहाँ पर शो करेगा और यहाँ पर अकाउंट जो आप सेलेक्ट किए हैं वो अकाउंट यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर फेज कर लिया गया, आपका जो डिटेल्स यहाँ पर सारा आ गया है और यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के आ गया, आपका अकाउंट ओपन कम्प्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर देख पा रहे कस्टमर आईडी आपको मिल गया और यहाँ पर सेविंग अकाउंट यहाँ पर शो कर, आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर शो कर गया और यहाँ पर आपका ब्रांच शो कर रहा है और यहाँ पर आपका यूपीआई आईडी यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद आप क्या काम करेंगे, इसके द्वारा जो है आप मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। इस अकाउंट को आप बिना वीडियो के वैसे कम्प्लीट किए 1 साल तक आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी वीडियो के वैसे का ऑप्शन यहाँ पर बंद किया हुआ है, आप यहाँ से वीडियो के वैसे कर नहीं सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से आप वीडियो के वैसे कैसे करेंगे, तो वीडियो के वैसे करने के लिए आपको इस लिंक पर आना होगा। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो के वैसे कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे वीडियो के वैसे का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ये दोनों बॉक्स पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे लेट्स गो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, तो आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वीडियो के वैसे कंप्लीट कर पाएंगे। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए, तभी आप वीडियो के वैसे कंप्लीट कर सकते हैं। और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लिया जाएगा, उसके बाद आपका वीडियो KYC कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना वीडियो KYC किए इस अकाउंट को 1 साल तक आप यूज कर सकते हैं, उसके बीच में आप कभी भी वीडियो KYC कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।